जनसंख्या कम होना नहीं है, इसलिए जनसंख्या हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान देने वाला, हमारे नेटवर्क कंपनी में बहुत बड़ा जनसंख्या जो है कि योगदान है जो हम लोग के लिए आगे हमारा काम करेगा। और दूसरा जो है इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो है जिस गति से ये बढ़ रहा है, हमारे देश में बेरोजगारी की जो गति है वो बहुत तेज से बढ़ रही है, और इतने बड़े जनसंख्या 150 करोड़ की जनसंख्या है तो इतने तेजी से इसका विकास हो रहा है, तो इसमें कितने लोग बेरोजगार होंगे इसकी कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं है। आज जो बेरोजगार होंगे तो मजबूरी यहाँ आने पर जो हमारी कंपनी है, अन्य कंपनियाँ जो भी अच्छी कंपनियाँ हैं उधर लोग भागेंगे, मजबूरी में भागना पड़ेगा, इसमें नहीं कहीं रोजगार मिलने वाले। तो जिस गति से हम टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमारा विकास तो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन उधर हम तो उधर बढ़ रहे हैं लेकिन हम एक कदम या दो कदम पीछे भी घसकते जा रहे हैं। हमारा रोजगार जो है उस तरह की नहीं मिल पा रहा है जहाँ हम आमदनी अर्निंग कर सकें, और जब आमदनी हमारा अर्निंग नहीं होगा तो फिर सड़ते जाएंगे, समय के साथ हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, जब आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो मजबूरी हमारे सामने ये खड़ा हो जाएगा कि हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारे जो दिनचर्या के खर्च है वो कहाँ से मेंटेन होंगे। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमको नेटवर्क मार्केटिंग करना ही पड़ेगा, मजबूरी में हमको वहाँ जाना पड़ेगा। आज जहाँ जाएंगे वहाँ ऐसी चीजें बहुत अच्छी फीचर है, उसी बहुत प्राकृतिक है, और जो वहाँ से हर एक चीज हमारे सपने और सफल आदमियों में अगर हम काम करें तो वहाँ हम हमारी। और तीसरा जो है बड़े बड़े बीमारियां, जब ये टेक्नोलॉजी विकसित होगा तो जब विकसित होगा ये बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसके वजह से हमारे वायुमंडल में वातावरण में कार्बन अमोनियम कुछ ऐसी चीजें उत्सर्जन होगा, मोनोऑक्साइड जो बहुत ज़्यादा जहरीली होगी, जहरीली होने की वजह से हमारा वातावरण प्रदूषित होगा, जिससे बड़े बड़े बीमारियाँ उत्पन्न होगी जो कि अंग्रेजी दवाओं में कोई इलाज नहीं है। थोड़े समय के लिए इलाज मिलेगा लेकिन अस्थायी इलाज नहीं मिलेगा, और जब अस्थायी इलाज नहीं मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अगर आप उठा के देखिए, सर्वे देखिए, दवाओं का सर्वे देखिए, चाहे एलोपैथ आयुर्वेद और होम्योपैथ का, इसमें सबसे ज़्यादा आयुर्वेद की तरफ लोग भाग रहे हैं, सबसे ज़्यादा आयुर्वेद की तरफ लोग भाग रहे हैं। अब जागरूक हो तो धीरे धीरे लोग फिर बहुत पहले जो घास फूस के आयुर्वेद की दवाई बना कर इतने लोग 1,80,00,000 आदमी इसमें आकर्षित हो रहे हैं तो दूसरे को भी बता रहे हैं तो वो भी लोग इसमें। अस्थायी इलाज वहाँ नहीं है जहाँ हम लोग हैं, वहाँ अस्थायी इलाज नहीं है, हमारे पास हम नेटवर्क कंपनी में ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहाँ हमारे पास उसकी अस्थायी इलाज है और हम वहाँ जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या में और जब ये सारे टेक्नोलॉजियाँ जब बढ़ेंगी और टेक्नोलॉजी पर पूरा दुनिया आधारित हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं उनको सामने दिख रहा है, इसके वजह से जो उनका कार्बन से लेकर हर एक गैस उत्सर्जन होगा और वो वातावरण में एक जहर के रूप में स्वीट पॉइजन के रूप में घुलेगा और सारे आदमियों को धीरे धीरे बीमारी के कगार में अगोश में लेता रहेगा, जिससे अकाल मौतें बढ़ेंगी, कम उम्र में मौतें बढ़ेंगी, इसके वजह से हम लोगों को आयुर्वेद की तरफ भागना पड़ेगा। जब हम आयुर्वेद की तरफ भागेंगे तभी हमारा जान बच जा पाएगा, नहीं तो आज हम दवा करा के आएंगे 10 दिन ठीक रहेंगे, हमारे लक्षण ठीक और खत्म होंगे। अंग्रेजी दवाओं में जो हमारा काम है बस लक्षण को मिटा देना है, सिम्टम एक दिन दे रहा था, लेकिन हमारा अस्थायी जो चीज़ है वो तो वही रहेगा, लेकिन अगर हमारे पैर में चोट लगी हम सर पर तेल रखें दवा लगाएं तो हमारा पैर नहीं ठीक हो सकता है,
सर की पीड़ा थोड़ा कम हो सकती है तेल रखने से, लेकिन पैर की पीड़ा नहीं कम होती। तो यही चीजें एकदम सेम चल रहा है।